Hello friends, how are you? I hope that you all have been taking care about yourself, your family, your society, as well as especially to your mother, because the central idea of the poem My Mother at 66 I am going to tell you about. इस छोटे से वीडियो में एक नया एक्सपेरिमेंट किया है मैंने। पोएम का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है, केवल एक लास्ट लाइन में पोएम का मैं मेंशन करूँगा और आपको पूरा सेंट्रल आइडिया, सही मायनों में सेंट्रल आइडिया का मतलब उस पोएम का एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही मायनों में सेंट्रल आइडिया का कभी भी मतलब उस पोएम की समरी नहीं है, और सही मायनों में सेंट्रल आइडिया का मतलब उस पोएम की थीम या कहानी या प्लॉट नहीं है। ओके, आइए क्या है सेंट्रल आइडिया इस पोएम का, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की है। प्लीज़ अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। क्या है पोएम का सेंट्रल आइडिया, क्या लिखा है? अ चाइल्ड इज़ कनेक्टेड विद इट्स मदर मोस्ट। बच्चा दुनिया में सबसे ज़्यादा किसका है, या ये बच्चा सबसे ज़्यादा दुनिया में किसका खास है, किसके नज़दीक है, किसके करीब है, किससे सबसे ज़्यादा ये अटैच्ड है। सबको पता है आंसर, आपको ही पता है। इट इज़ अ नेचुरल बॉन्ड, एक प्राकृतिक बंधन है दोस्तों। वजह आइए, इट स्टार्ट्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ इट्स बर्थ। जन्म के दिन से ही इसकी शुरुआत होती है। जी नहीं, मैंने लिख दिया, आगे देखिए। और इवन बिफोर इट्स बर्थ, यहाँ तक कि जन्म से पहले, वो पहला दिन जब बच्चा अपने अस्तित्व में आता, मैंने ये लिखने की कोशिश की है। ऑल अदर रिलेशंस कम इन आवर लाइफ व्हेन वी कम इनटू द वर्ल्ड एंड इट स्टार्ट्स टू रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ देम। हमें बाकी रिश्तों की पहचान सबसे पहली बात तो हमारी माँ कराती है। दूसरी बात, जिन रिश्तों को हम खुद भी पहचानते हैं वो तब पहचानते हैं जब पहली बार हम या तो दुनिया में आते हैं या फिर पहली बार किसी से मिलते हैं, अपना दिलो दिमाग और तसव्वुरात लगाते हैं, अपनी सोच समझ लगाते हैं। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है? आइए, दिस रिलेशन एग्जिस्ट सिंस द बिगनिंग ऑफ इट्स फॉर्मेशन। हमारे निर्माण से, हमारी शुरुआत से, वो पहला दिन जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में आता है, उस दिन से ही एक नेचुरल बायोलॉजिकल बॉन्डिंग इस रिश्ते की होती है। बाकी सब रिश्तों से उम्र इस रिश्ते की 9 महीने 9 दिन कम से कम ज़्यादा है। जी हाँ, ये बायोलॉजिकल मैंने यहाँ पे एक कोशिश की है चीज़ को जोड़ने की। देयरफॉर अ चाइल्ड इज़ ऑलवेज वेरी सॉरी एट द डिपार्चर ऑफ इट्स मदर। इसलिए ऐसा कई बार होता है, बच्चा अपने फादर को मिस करता है, दादी माँ को मिस करता है, बाबा को मिस करता है। लेकिन दोस्तों, बच्चे को सबसे बड़ा दुख और सदमा उस वक्त होता है जब उसकी माँ उससे जुदा होती है। यही बात ये पोएम हमसे कहना चाह रही है। अभी तक मैंने पोएम की समरी या उसकी कहानी के बारे में नहीं बताया, लेकिन सेंट्रल आइडिया इसका यही है। ओके, और इवन इट्स थॉट, माँ के जाना तो बहुत बड़ी बात है। इस पोएम में माँ गई नहीं है, सिर्फ जाने का ख्याल आया है, विचार आया है। इस बात से ही बच्चा बड़ी सदमे में है। अब हम पोएम के साथ ख़त्म करेंगे इसको जोड़कर। इट इज़ द सेम थिंग हैपन्स इन द पोएम विद द पोइटिस। इस कहानी में ऐसा ही हुआ है। जैसे ही पोइटिस को पता चला कि उसकी माँ अब दुनिया छोड़ के जा सकती है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है, वो कमज़ोर दिख रही हैं, डेड बॉडी की तरह दिख रही हैं, इस बात ने, इस ख्याल ने उन्हें सदमे में ला दिया। और यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया था दोस्तों। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे बड़ा एक हौसला मिलेगा और अच्छा काम करने का। बाय, लव यू, टेक केयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू इन एडवांस, सी यू।